और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में फिल्म द किलर स्टोरी हो सकती है टैक्स फ्री। सीएम योगी भी टैक्स फ्री इसे कर सकते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है, सीएम योगी भी इस फिल्म को देखने के लिए जा सकते हैं, पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में देख सकते हैं द केरल स्टोरी। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा है, द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। तो देखिए, इस फिल्म पर सियासत तेज हो गई है और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाएगा और पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री ये फिल्म देख सकते हैं। राजनीति जमकर हो रही है और इसकी गूंज चुनाव प्रचार में भी है। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं। वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन कर दिया है, वहां पर ये फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। और आंध्र प्रदेश में बैन नहीं है लेकिन वहां पर स्क्रीनिंग उस फिल्म की नहीं हो रही है क्योंकि जो हॉल्स हैं उन्होंने फिल्म को दिखाने से मना कर दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूपी में द केरला स्टोरी टैक्स फ्री होने जा रही है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम योगी निकाय चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, ऐसे में उनकी गोरखपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में भीम सरोवर में बतखों को दाना खिलाया, गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। सीएम योगी आज भी कई जिलों में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी कानपुर, बांदा, चित्रकूट में रैलियां करने आज जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आई है गोरखपुर से। तो सीएम योगी आज तीन जिलों में जाएंगे, रोजाना तीन से चार जिलों में चुनाव प्रचार करते हैं। सीएम योगी कानपुर, बांदा और चित्रकूट में रैलियां करेंगे और गोरखपुर में देखिए इस वक्त वो गोरखनाथ मंदिर में हैं। उन्होंने गायों को सुबह गुड़ और चना खिलाया। वहीं मंदिर परिसर में जो भीम सरोवर है वहां पर जाकर उन्होंने बतखों को दाना खिलाया। सीएम योगी आज भी कई जिलों में दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है वहां पहुंचेंगे, कानपुर, बांदा और चित्रकूट यानी कि जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें आज मुख्यमंत्री रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।